जॉयसिस रेसिपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरी नए रेसिपी को देखने के लिए। आज हम बनाएंगे कोचूर सागे डाटर सब्जी। हिंदी में इसको तारो का डांटी बोलते हैं। सूखे छोले को 5 घंटे भिगो के रखिए। देखिए मैंने इसको अच्छे तरह से धोकर साफ करके इसका छिलका हटा के छोटा छोटा पीस करके नमक लगा के रखा है। पत्ते को मैंने नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा होता है डांटी जो होता है उसको ही लिया है मैंने। देखिए छोटा छोटा पीस करके काट लिया है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा का जो छिलका है वो हटा दिया है। नमक लगा के मैंने इसको 1/2 घंटे तक रख दिया है। अभी इसको मैं अच्छे तरह से उबाल लूँगी। गैस ओवन चला लीजिए, इसको अच्छे तरह से आप बॉईल कीजिए। ढक्कन लगा के 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में बॉईल कीजिए। 10 मिनट हो गया, ढक्कन खोलिए। अच्छे तरह से इस पर नीच करके हिलाइए। अच्छे तरह से बॉईल कीजिए इसको। अच्छे तरह से उबाल लीजिए, उसके बाद गैस ओवन को बंद कर दीजिए। देखिए ये बॉईल हो गया। अब इसको छलनी में छान लीजिए, छलनी में डाल दीजिए। देखिए ये बॉईल हो गया। बॉईल किया हुआ कोचूर साग और भिगाया हुआ छोला, तेल को अच्छे तरह से गरम कीजिए। तेजपत्ता डालिए, सूखा लाल मिर्च डालिए, सौंफ डालिए, मेथी डालिए, कलौंजी डालिए, थोड़ा नमक डालिए, अच्छे से हिलाइए, हल्दी डालिए, भिगोए हुए छोले डालिए, कूटे हुए नारियल डालिए, अच्छे से हिलाइए, अच्छे से फ्राई कीजिए। देखिए फ्राई हो गया। अब इसमें कोचूर साग को डाल दीजिए। ये अच्छे से मिक्स कीजिए। हिलाइए, नहीं तो नीचे लग जाएगा। इसी तरह से आप हिलाते रहिए और पकाते रहिए। हरी मिर्च डालिए, हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कीजिए। ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में 5 मिनट तक इसको पकने दीजिए। गैस फ्लेम को कम कीजिए, ढक्कन खोलिए, जीरा पाउडर डालिए, धनिया पाउडर डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में 2 मिनट तक पकने दीजिए। गैस फ्लेम को कम कर दीजिए, ढक्कन खोलिए, अच्छे से ऊपर नीचे करके सब्जी को हिलाइए। ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में 1 मिनट तक पकने दीजिए। 1 मिनट हो गया,
गैस फ्लेम को बंद कर दीजिए। 10 मिनट तक स्टैंडिंग टाइम दीजिए। टुडेज रेसिपी कोचू शाक इज रेडी।